उम्मीद करता हूं दोस्त आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्त इस वीडियो में आपको हम अपना सीसीटीवी फुटेज का कुछ वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास भी साइबर कैप का दुकान, कपड़ा का दुकान या कोई सोना का दुकान या कोई आपके पास छोटा मोटा कोई भी बिजनेस हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अभी रात के जो है इसे 12 बज रहे हैं, आप उस पर जो है इसे तारीख दिन नोट सब देख सकते हैं। और ये मेरा वीडियो जो है सीसीटीवी फुटेज का है, यानी कि मेरे दुकान में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसका जो है से ये वीडियो है, कोई मोबाइल से खींचा हुआ वीडियो नहीं है। जो मेरे दुकान में कैमरा लगा हुआ है मैं उस वीडियो पर आज जो है से विषय पे बात करने वाला हूँ कि आखिर दुकान में सीसीटीवी लगाने का मतलब क्या होता है, आखिर लोग क्यों उसको लगाते हैं, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इस विषय में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले कुछ हम आपको जो है से अपना दुकान के बारे में और काम के बारे में बता देते हैं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। दोस्त बता देते हैं, अगर आपके पास भी कोई भी चीज़ का बिजनेस हो, जैसे मेरे पास साइबर कैप का बिजनेस है, आपके पास कपड़ा का बिजनेस है, किसी के पास कोई भी चीज़ का बिजनेस होता है, तो कभी कभी आप देखे होंगे ऑर्डर ज़्यादा आ जाता है। तो मेरे दुकान पर जो है से अभी राशन कार्ड का जो है से सॉरी मेरे दुकान पर अभी जो है से शौचालय का जो है से फॉर्म जो है से बहुत सारे आ गए हैं, जिनको जो है से हमको कम से कम बहुत सारे सेट बनाने हैं और मेरे पास सुबह में टाइम नहीं रहता है। इधर जो आप देख रहे हैं जो फोटो कॉपी कर रहे हैं वो मेरे पापा जी हैं और नीचे जो बैठे हुए हैं मेरे गांव के जो है से एक लड़का है जो कि हमको बहुत सारे जो है से हेल्प करते रहते हैं। और इधर जो अपना सिस्टम पर जो हम बैठे हुए हैं इसमें जो है से हम कुछ स्कैनिंग करना है, यानी कि फ़ोटो वोटो जो है से बना रहे हैं ना। उसके बाद दोस्त मैं बता देता हूँ आखिर सीसीटीवी कैमरा दुकान में लगाना क्यों ज़रूरी है, इसका भी बहुत बड़ा फायदा होता है। दोस्त मैं बता देता हूँ, अगर आपका भी दुकान या बिजनेस बहुत बड़ा लेवल पे है तो आप एक छोटा सा कैमरा लगा दीजिए। दोस्त हम बात करते हैं आखिर सीसीटीवी कैमरा कितना में जो है इसे आ जाता है, जो मेरे पास अभी प्रेजेंट में आप देख रहे होंगे वो कितना तक जो है इसे आ जाएगा। दोस्त ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है, आपको 2400-2500 रुपया में अच्छा बड़ा जो है इसे वाईफाई कैमरा जो है इसे आ जाता है, जिसको आप जो है इसे घर बैठे हुए मोबाइल से जो है इसे रोटेट कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं, उसको जूम कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अभी देख रहे हैं कि आप मोबाइल में जो है इसे खुद से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो कि आपको जैसे दिखाई भी देगा। मेरे बगल में जो है इसे मोबाइल जो हम खड़ा किए हुए उसी से जो है इसे हम सीसीटीवी फुटेज जो है इसे ले रहे हैं। उसके बाद जो है इसे दोस्त और सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कैमरा रखना क्यों जरूरी। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कोई आपको दुकान पर नहीं है और कोई दुकान पर आ जाता है, कभी कभी दुकान में से कोई चीज़ चोरी हो जाता है, तो उस समय आप क्या करिएगा, उस समय तो बहुत सारा जो है इसे प्रॉब्लम आ जाता है कि सामान कौन लिया, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन आप मात्र जो है 2400-2500 रुपये अपना दुकान में लगा देते हैं तो आपका दुकान बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा और कस्टमर को भी पता चल जाता है इस दुकान में जो है इसे सीसीटीवी जो है इसे लगा हुआ है। अगर हम किसी के साथ कुछ भी करें या कोई सामान अगर हम चोरी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पकड़ा जाएंगे। बस इसीलिए छोटा सा हम वीडियो बनाए थे ताकि आप लोग को दिखा सके अपना दुकान का फुटेज। उसके बाद मैं बता देता हूँ दोस्त, कभी कभी जो है से हर इंसान के हर बिजनेस में जो है से ओवर टाइम ड्यूटी करना पड़ता है। मान लीजिए मैं खुद के दुकान पर जो है से ओवर टाइम ड्यूटी कर रहा हूँ और काम थोड़ा कभी कभी इतना ज़्यादा आ जाता है तो अकेले नहीं हो पाता है, तो उधर जो मेरे पापा जो फोटो कॉपी कर रहे हैं वो बहुत हेल्प करते हैं मुझे। उसके बाद एक गाँव का जो है मंटू भाई है वो भी हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, कोई भी जब भी हम परेशानी में रहते हैं या थक जाते हैं तो हमको बहुत सारे जो सपोर्ट करते रहते हैं। मैं सभी को जैसे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हम तो दिन रात मेहनत करवे करते हैं। दोस्त मैं हमेशा यही चीज़ कहूँगा कि लाइफ में जो है सो कोई भी चीज़ पहले करिए, काम जरूर आता है। ऐसा बात नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शॉप को ओपन कर लेते हैं, दुकान को ओपन कर लेते हैं और ये कहते हैं कि मेरे पास काम नहीं आता है, काम कैसे करें। हम दोस्त मैं बता देता हूँ, अगर कोई भी चीज़ आप शिद्दत से करते हैं, अगर बहुत मेहनत से करते हैं तो एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलता है। दोस्त आप लोग को एक चीज़ और बताने वाले हैं कि आखिर हम कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सा ज़िला से बिलोंग करते हैं, मेरा घर कहाँ हुआ है। तो दोस्त मैं आज बता देता हूँ, मैं एक बिहारी हूँ
यानी कि मैं बिहार में रहता हूँ और मेरा ज़िला का नाम है वैशाली ज़िला। अनुमंडल के बात करें तो मेरा महुआ हो गया और प्रखंड मेरा पातेपुर हो गया, और घर के बात करें तो ख्वाजपुर हो गया। पंचायत के बात करें तो ख्वाजपुर बस्ती हो गया। ख्वाजपुर बस्ती में वार्ड नंबर किस में रहते हैं, तो वार्ड नंबर हम 14 में रहते हैं। और दोस्त एक चीज़ और बता देते हैं कि 14 नंबर वार्ड का अभी प्रेजेंट में हम वार्ड नंबर भी हैं। बस दोस्त सब चीज़ वही दुकान का है। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीख मिला होगा कि CCTV कैमरा क्यों लगाना ज़रूरी है। अगर आप एक बार लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ रहते हैं, और हर छोटे मोटे बिजनेसमैन को एक CCTV कैमरा जो लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे ये होता है आपका जो इसे अंदर का जो डर रहता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब दुकान से भी बाहर जाइएगा फिर भी जैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई आपके दुकान में छेड़छाड़ कुछ भी करता है या कुछ सामान को गबन करता है या कोई चीज़ खो जाता है तो आप इसको जो है इसे रिप्ले करके भी देख सकते हैं। दोस्त इस प्रकार से जो है इसे आप अपना बिजनेस को भी ग्रो कर सकते। तो थोड़ा और बात कर लेते हैं CCTV फुटेज में आखिर क्या क्या फीचर है। दोस्त इसमें बहुत सारे फीचर है कैमरा में, और इसको वाईफाई से जो है इसे ये कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद मैं बता देता हूँ इसमें 1080p का वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो की रिकॉर्डिंग जितना मन करो उतना कर सकते हैं, कैमरा को जहाँ से बैठल बैठल जो है इसे आप कैमरा को घुमा सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि कैमरा किस प्रकार से कभी इधर तो कभी उधर हमेशा जो है इसे मूव करते रहते हैं आप लोग के वीडियो बनाने के लिए और दिखाने के लिए। दोस्त मैं अगला वीडियो में आऊँगा तो आपको मैं CCTV कैमरा को जो है इसे पूरा जो है इसे लाइव दिखाऊँगा कि आखिर इसका फीचर क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको कैसे सेटिंग किया जाता है, मैं सारा चीज़ जो है इसे बताऊँगा। मैं बता दूँ इस चैनल के माध्यम से हम ऑनलाइन रिलेटेड वीडियो साइबर कैप के बारे में जितने भी वीडियो होते हैं इन्फॉर्मेशन होते हैं मैं सभी आप लोग को जैसे हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहते हैं। इसलिए आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा ऐसा ऐसा और वीडियो देखने के लिए। दोस्त अगर आप मेरे चैनल से एक बार जुड़ जाइएगा तो आपके अंदर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जो है इसे बढ़ जाएगा, बहुत सारे चीज़ को जानकारी हो जाएगा कि कौन काम कैसे करना है, किसके लिए क्या ज़रूरी है, कोई भी चीज़ को ऑपरेट कैसे करे, संसाधन क्या होता है, कोई भी चीज़ को मैनेज कैसे किया जाता है, ऑनलाइन का फॉर्म कैसे भरा जाता है, बहुत सारे जो फीचर होते हैं ऑनलाइन साइबर कैप में आपको A to Z जो है इसे इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। दोस्त उम्मीद करते हैं अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा।